कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं। पक्की बात समझ लो कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषुभम, ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तो मैं बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। कुंती जी ने भगवान से मांगा था कि प्रतिपल हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति और दुख में आप स्पष्ट दिखाई देते हो, सुख और अनुकूलता में एक धुंधलापन छा जाता है, और जब दुख विपत्ति होती तो नाथ आप स्पष्ट दौड़ते हुए हमारी तरफ, हम यही देखना चाहते। अगर बिटिया पढ़े लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को इन समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है नाम तो हमें याद है, पर है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात, हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है। हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है, और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है, और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है। हम लोगों ने बहुत मूर्खताएं की, हमें शरीर मिला, बल मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला, हमने गंदे आचरणों में उसका प्रयोग किया है। सच्चाई से देखो, अगर हम हमें प्रभु अर्थ नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, कंजूस नहीं है, हमारी योग्यता नहीं, इतने में तो हम मूर्ख हो गए कि धर्माधर्म का विचार त्याग के मनमानी आचरण करने लगे। एक सिद्धांत है, छाया को पकड़ने चलो तो छाया दूर भागती है, और आप सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे आ जाएगी। ऐसे ही गोविंद की तरफ चलो ना तो माया पीछे पड़ जाएगी, और माया की तरफ चलो ना गोविंद से विमुख होकर के वो आगे आगे भागेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। भगवान शंकर के वचन है, अब वही है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क, तर्क माने अंदर ही सोच बढ़ावई शाखा, जब तुम्हें मन फंसाए तो काट दो उसे। नहीं नहीं, जो वही होगा जो प्रभु करना चाहते हैं, मेरे अंदर वही बात आएगी जो प्रभु समाज। अब मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की शरण में हूँ, मेरा कोई अमंगल करने तू फालतू में सोच मत बड़ा मेरी, राधा 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 अभी ठीक होना शुरू हो जाए। नहीं, ये इतना बदमाश है कि ये फंसा लेगा, कुछ नहीं होना, आपको डर पा देगा, किसी से कभी कुछ बात हुई आपको द्वेष पैदा करवा देगा, उसको कैसे मैं सुधारूं आपको चिंता बढ़ा देगा, उसे कैसे मैं भोगूं आपको लालायित कर, ये बहुत बदमाश है। और ज्यादा आगे क्या होगा उसके लिए भगवान पर छोड़िए। अच्छे कर्म कर रहे हो, हानि नहीं होने वाली, बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा, दोनों बात समझ लो। कौन कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनभाता। कोई भी माँ अपने बच्चे के पास जाएगी ना, पहला काम, तुमने शाम के ठीक से भोजन पाया था कि नहीं, अगर सुबह मिलेगी पाया था कि नहीं, तुम्हें अच्छी नींद आई ना, अच्छा तुम्हें थकावट तो नहीं हुई आने में, वो केवल इस बात पर, वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती, यही उसका सारे जीवन का फल है। और हम, हमारा क्या कर्तव्य कि ऐसी माँ को ऐसे पिता को अनाथालय में भेज दें, वृद्धा जब उनको हमारी जरूरत है पर हो जाता है, क्योंकि नवीन जहाँ पत्नी मिली और उसका वो सब रिश्ता नाता, तो वो पुराने माता पिता का प्यार भूल जाता है, फिर वही अपराध बन जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। समझ रहे हैं? गृहस्थी में पूजा का हठ ना करें, पूजा का हठ तब करें जब आपके सारे कार्य निवृत्त हो गए, तब मन को समझाओ कि अब टीवी नहीं देखना, अब चलो श्री जी के सामने बैठो चल के। लेकिन सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति को ड्यूटी जाना है, बड़े कार्य है, उस समय आप अपनी पूजा अगर फैला के बैठो कि अब स्नान और श्रृंगार और मंगल भोग और राजभोग, तो हमें लगता है कि कुछ दिन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए वो सेवा करो, प्रवृत्ति मार्ग है, और नाम जप करो, जब समय मिले तब ठाकुर जी की सेवा, वो जान रहे हैं ना, अच्छा पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, पूरा परिवार ठाकुर जी का दिया हुआ, उस भाव से करे तो मुझे लगता है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नहीं, हम श्री जी की आरती कर रहे हैं और पति खड़े जल रहा है, यार मतलब मैं ऑफिस में लेट हो गया तो अब वहां पैसा कटेगा या आज गैर हाजिरी लग जाएगी, फिर तुम्हारी आरती का घी कहां से आएगा, तुम्हारा भोग कहां से आएगा, तो आरती रोक दो, पहले उसकी व्यवस्था कर दो, वो जाए फिर शांत होकर के आए।
बच्चा है दुलार कर खवा पिया करता, फिर आती उस बच्चे में भी लाडली लाल विराजमान, उन्हीं का तो अंश है। मुझे लगता है फिर कोई झगड़ा किसका है, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि आपको बहुत आनंद में मगन होना है तो आप कम खर्चा करो, अधिक कमाओ। ऐसे नाम अधिक कमाओ, उसको कम खर्चा करो। बीमारी में, परेशानी में, कामना में नाम को खर्चा मत करो, वो तो प्रारब्ध पहले से निश्चित है, उसे भोग लो और नाम को जमा कर लो। जिस दिन तुम नाम के धनी हुए तो विश्व की कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं, कोई भी ऐसा सुख नहीं जो आप खरीद ना सके। नाम, नाम वो धन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। ये सुख दुख जो है हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है, ये कोई देवता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को हमने इतना प्यार किया उसने दुख दिया। तुम्हारा कर्म ही उस व्यक्ति की खोपड़ी में बैठेगा और तुम्हें दुख भुगाएगा या सुख भुगाएगा, तुम्हारा कर्म ही है। अगर कोई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के धन चाहता है, भोग चाहता है, बढ़िया भैया हमें कोई परेशानी नहीं। तुम हिंसा मत करना, व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना। राम राम कह के धन चाहते हो ना, परम धन मिल जाएगा, विश्वास करो। राम राम कह के यश चाहते हो ना, बहुत पूरा विश्व नमस्कार करेगा। गलत मत करो। अब अगर गलत करोगे तो वही आपको दंड देगा जिसका तुम नाम जप करो। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका कर्म ही उसके लिए भयंकर है, हमको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। उसने जो किया है उसका कर्म ही उसको नहीं बख्शेगा। मेरी सलाह यह है कि हमें भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं करना चाहिए। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान, अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अवलो नशानी अबना नशई हो। प्रार्थना मान लो, न इस लोक में सुख मिलेगा न परलोक में। पोस्टर में भगवान की छवि छाप दी, जरा देखना, और नाम लिख दिया और क्या क्या भगवान, और ऐसे गली के ऊपर लगा दिया। अब वो पोस्टर फट करके नाली में पड़ा है। ठाकुर भी पड़े हैं, उनमें गुरुजी की भी छवि है, उसमें नाम भी है। मतलब कहां हमारा धर्म, समझ में नहीं आ रहा है। जिनको हम सिंहासन में विराजमान करते वो नाली में पड़े हैं, वो लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं, इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहां परमार्थ का, मतलब आराध्य देव की छवि आराध्य देव है यार, तमाकू की पुड़िया पे आराध्य देव की छवि। भगवत स्वरूपों को थैले में, लिफाफों में, ब्याह के कार्डों में। अब ब्याह का कार्ड तो ब्याह ही, किस तारीख को ऐसे फेंक दिया फिर। और उसमें प्रिया प्रीतम बने, उसमें शिव उमा बने हैं या सीताराम जी बने, वो सब ऐसे तो क्या होता। सारे सुकृत नष्ट हो रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही, समझ पा रहे हैं। तो ये कई ऐसी गलतियां होती जो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते, हमें पता नहीं लगता है। तो अगर सावधान रहा जाए तो हमारा जो धर्म है, हमारे जो प्रभु है, वो हमको सुखी करेंगे। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, भगवान से ही सुख प्राप्त होता है। आज के बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बच्चे बच्चे हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो मम्मी पापा हो ठीक है, इतना ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी देख लेंगे। और फिर जब जिंदगी ऐसे गर्त में फंसती है जहां फोन से भी नहीं कह सकते, ऐसे गर्त में फंसती है, बस उनको भी एक ही रास्ता, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इस जगह हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारी बात कितनी सुनोगे तुम, लेकिन मोबाइल जेब में है उसकी बात तुम ज्यादा सुनोगे। और उसमें जो कुछ सर्च करो अभी देख लो, एक क्षण में देख लो। सोचो जिन दृश्यों के देखने से वो राक्षसी भाव बढ़ जाता है, उन्हीं को बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। संत या भगवंत की चर्चा ये थोड़ी ज्यादा पसंद करे, ये तो सात्विक बुद्धि वाला पसंद करेगा। अब उनको सुनाओ, हाँ, अगर उनको बताओ कि भाई ये सत्संग आप सुनो जब आपके विकार आवे, तो वो सत्संग वो विकार बढ़ाने वाली बात देखेंगे, तो वो तन्मयता होती, फिर जो हम सुनते हैं ना वही हमें करने की इच्छा होती, तो फिर भ्रष्ट आचरण। अब कैसे करें जब तक भगवान नाम नहीं, भगवत आश्रय नहीं, अच्छा भोजन नहीं, कैसे हो सकता है। तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तो धर्म से चलोगे, ठीक चलोगे, तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे, ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूं। लेकिन देखो सामने वाला गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, बहुत फल फूल रहा है, वो फल फूल नहीं रहा, वो हाइलोजन की तरह चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, और तुम दीपक की तरह जलोगे, बराबर तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहेगा, ये पक्का समझ लीजिए, कोई कहानियां नहीं है। देखो सत्य एक ऐसी वस्तु है कि उसकी गंध सबके
हृदय में पहुंच जाती है। अगर आप सत्य से चलोगे ना तो आपको कोई प्रचार प्रसार कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाशमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे।